हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चंपापुर के बाजार में जगह जगह पर सेल लगी है। बन्नी और भोला मार्केट में खरीदी करने आए हैं। पहले वे गग्गू की दुकान पर खिलौने खरीदने पहुंच गए। सेल में गग्गू की दुकान पर खिलौनों पर भारी छूट चल रही है। भोला को नई बैडमिंटन रैकेट खरीदनी है। बैडमिंटन रैकेट पर इस तरह से पुराना दाम काटकर नया दाम 110.50 रुपए लिखा है। बन्नी, ये कैसी कीमत है? मैं 110 रुपए तो समझ गया, लेकिन ये 0.50 रुपए हम कैसे देंगे? भोला ने बन्नी से कहा। बन्नी ने हंसकर कहा, भोला, 1 रुपया कितने पैसों के बराबर है? 100 पैसों के, भोला ने झट से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 पैसा 1 रुपए का 100वां भाग है। किसी भी संख्या के 100वें भाग को हम दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके 0.01 इस तरह से लिख सकते हैं। बैडमिंटन रैकेट का दाम 110.50 रुपए है। 0.01 रुपए या 1 रुपए का 100वां भाग 1 पैसे के बराबर है, इसलिए 0.50 रुपए 1 रुपए के 50वें हिस्से के बराबर या 50 पैसे के बराबर होगा। इस तरह बैडमिंटन रैकेट का दाम है 110 रुपए और 50 पैसे। बन्नी ने भोला को समझाया। भोला झट से समझ गया। भोला ने गग्गू को 110 रुपए और 50 पैसे देकर बैडमिंटन रैकेट खरीद ली। अब वो दोनों बब्बन के आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खाने आए हैं। बब्बन के स्टॉल पर चोकोबार आइसक्रीम पर भारी छूट चल रही है। भोला ने बन्नी से चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम 4.25 रुपए को देखकर कहा, बन्नी, मैं आइसक्रीम के नए दाम को 0.00 डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम को हम 0.00 का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। चोकोबार आइसक्रीम का दाम 4.25 रुपए है। हम जिस तरह से किसी भी संख्या के 1/10वें भाग को 0.00 का इस्तेमाल करके लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी भी संख्या के 100वें भाग को भी 0.00 का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। यहाँ 25 पैसे 1 रुपए का 0.25वां भाग है, इसलिए हम पहले 0.00 बनाएंगे, फिर उसके पीछे 0 लिखेंगे, क्योंकि 0.25वां भाग 1 पूरे से कम है। क्योंकि 25 पैसे 1 रुपए का 0.25वां भाग है, हम 0.00 के आगे 25 की संख्या को लिख लेंगे। अब यदि हम 4 में 0 जोड़ें, तो हमें क्या मिलेगा? 4। इस तरह हम चोकोबार आइसक्रीम के नए दाम को 4.25 रुपए इस तरह से 0.00 का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं।
बन्नी और भोला ने बब्बन से एक एक चॉकोबार आइसक्रीम खरीद ली और खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए अपने घर लौट गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने 100वां भाग 100th क्या होता है इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।